चिकन लॉलीपॉप होटल के बाहर नहीं दिया तो होटल चालक की धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। ठाणे के राबोड़ी पुलिस स्टेशन के हद में सुमारास होटल रुचि कैसर मिल नाका के पास है। 15 अक्टूबर 2021 शाम 7:30 बजे के आसपास आरोपी एकनाथ मरसाले, जो कि होटल में आता है और होटल चालक से बहस करता है, आखिर होटल के बाहर लॉलीपॉप क्यों नहीं भेजा था, जिसका खुन्नस रखता है। कुछ देर तक होटल चालक प्रशांत भोजापुरी से बहस करता है। होटल चालक का कहना है चिकन लॉलीपॉप होटल के बाहर नहीं भेजा था और बहस के दौरान धारदार हथियार यानी चाकू से कई बार हमला किया, जिसके कारण होटल चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोपी चाकू से वार करने के बाद घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसके बाद डीसीपी जोन 1 अविनाश अंबूरे के आदेश पर राबोड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिरतोड़े ने जो है अपने एक टीम को गठन किया और जिसके बाद आरोपी को 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, जहां न्यायालय में पेश किया गया, यानी 21 तारीख को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने 10 दिन का पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस का कहना है और भी राज खुल सकते हैं, इसके पीछे सिर्फ चिकन लॉलीपॉप का ही मामला है या कोई और वजह है जिसके कारण होटल चालक प्रशांत की जानलेवा हमला किया है। सुनिए इस घटनाक्रम को लेकर पीएसआई श्रीकांत चौहान ने क्या कुछ कहा है। 15 अक्टूबर रोजी संध्याकाळी 7:30 वाजता हॉटेल रुची येथे हॉटेल चालक प्रशांत पुजारी याच्यावर हल्लेखोर अशोक मरसाळे यांनी जुन्या भांडणाचा राग आणि त्या ठिकाणी प्लेटमध्ये चिकन लॉलीपॉप न दिल्याच्या कारणावर हॉटेल चालक प्रशांत पुजारीवर चाकू सदृश हत्याराने सपासप वार करून पळून गेला होता। मागील काही दिवसापासून राबोडी पोलीस ठाण्याची टीम त्याच्या शोधासाठी अथक प्रयत्न करत होते। काल माननीय DCP साहेब अंबुरे साहेब, माननीय ACP मॅडम, सिनियर साहेब शिरतोडे साहेब, आमची DBC टीम यांनी काल सीताफीनं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या टीमने त्याला काल सीताफीनं अटक केली। आज त्याला कोर्टात प्रोड्यूस केलं होतं, कोर्टाने त्याला 10 दिवसापर्यंत पोलीस कोठडी दिलेली आहे। अजून यात त्याचे अन्य कोणी साथीदार आहेत का, हल्ला करताना ज्यावेळी त्यांनी हत्यार वापरलं ते हत्यार अजून रिकवर करायचं बाकी आहे, त्या कारणाकरता माननीय न्यायालयाने 10 दिवसाची पोलीस कोठडी दिली।